sixth class students, a wonderful morning to all of you. Students, I hope you all have done your previous work. Now student, today we start exercise 8.6. In the 8.6, they give you the sum of subtraction. Student, how we can do in exercise 8.6, what they give you? Subtract. Subtract diya hai, value kya di hai hame? 9 by 10 माइनस में 7 by 10. अब वैल्यू ये दी है, हम पहले क्या देखेंगे? डेनोमिनेटर. डेनोमिनेटर क्या है हमारे? सेम है. सेम है तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा? 10 ही आ जाएगा. और अपर वैल्यूज जो है वो हम सेम राइट कर देंगे. देन 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आई हमारे पास? 2. 2 by 10 इज आवर आंसर. अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, किसी सेम नंबर से कटता है तो इसको कट कर देंगे. 2 1 जा 2 5 जा, सो 1 by 5 इज आवर आंसर. सेकेंड सम ऑल्सो सेम, 15 इज अवर एल सी एम. और 8 माइनस 3, 8 में से 3 आउट हुए, 5 5 by 15. कैंसिल आउट होने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आप कर देना. नेक्स्ट में देखो वैल्यू क्या दी है, 1 माइनस 2 by 3. ये देखो, ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में है, बट हेयर ये सिंपल फॉर्म में है. तो स्टूडेंट हम इसको कैसे करेंगे? इसको भी हम क्या करेंगे, अपॉन में 1 राइट करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मीन्स टू से फ्रैक्शन फॉर्म में राइट कर लेंगे. आफ्टर दैट वी टेक द एलसीएम. सो एलसीएम इज डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ओके, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 3 की इसके साथ और 2 की इस 1 के साथ. तो वैल्यू क्या आ गई? 3 माइनस 2 एंड 3 1 जा 3. वैल्यू इज 1 by 3. एंड द नेक्स्ट सम, 2 by 5 minus 4 by 15. 2 by 5 minus 4 by 15. अब ये देखेंगे, हम दोनों सेम टेबल में आते हैं तो पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेते हैं 5 का 15 का. तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 5 1 जा 5 3 जा 15. 15 इज अवर एलसीएम. सो स्टूडेंट हेयर वी राइट एज एलसीएम 15. फिर वैल्यू क्या दी गई है हमें, यहाँ पे 2 है, माइनस में 4 है, नीचे क्या है, 5. 5 की टेबल में 15 कितने पहले इस पे आता है, 5 3 जा 15. तो यहाँ 2 के साथ 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे. और 15 की टेबल में 15 कितने पे आता है, 1 जा पे. सो हेयर मल्टीप्लाई विद 1. 2 3 जा 6, 4 1 जा 4. 6 में से 4 आउट हुए स्टूडेंट, हमारे पास क्या बच गया, 2. 2 by 15 इज आवर आंसर. इन द सेकेंड सम, सब्ट्रैक्ट एज डायरेक्ट. हमें सब्ट्रैक्ट करना है डायरेक्टली. स्टूडेंट देखो, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट देन वी टेक, फर्स्टली टेक द वैल्यू, आफ्टर फ्रॉम. फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू हम पहले लिखेंगे. वैल्यू क्या है इन्होंने, 4 by 9 फ्रॉम 5 by 6. जहाँ फ्रॉम आ जाता है तो पहले हम बाद वाली वैल्यू उठाते हैं, तो पहले हमने लिखा 5 by 6. आफ्टर दैट हम क्या लिखेंगे, 4 by 9. और करना क्या है हमें, सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट सिंबल लगा देंगे. देन वी टेक द एलसीएम 6 and 9. फर्स्टली वी डिवाइड विद 2. 2 3 जा and 9 सेम. 3 1 जा 3 3 जा and then 3 1 जा. सो 2 3 जा 6 and 6 3 जा 18. 18 इज अवर एलसीएम. फिर क्या करेंगे स्टूडेंट, हम न्यूमरेटर को राइट कर देते हैं सेम. फिर देखेंगे 6 की टेबल में 18 कितने पे आता है, 6 3 जा. तो 3 की हम मल्टीप्लाई इस 5 के साथ करेंगे, फर्स्ट नंबर के साथ. फिर देखेंगे सेकंड नंबर क्या है हमारा, 9 है. 9 के पास क्या है, न्यूमरेटर 4 है. 9 की टेबल में 18 आता है 2 जा पे, तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 3 जा 15 एंड 4 2 जा 8. तो 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 7 by 18 इज आवर आंसर. स्टूडेंट रेस्ट ऑफ द पार्ट यू डू योर सेल्फ. जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन में है उनको हम पहले सिंपल फ्रैक्शन में सॉल्व कर लेंगे. लाइक दैट 5 3 जा 15 एंड 1 16. 16 by 3 फ्रॉम, ये हो जाएगा हमारा 8 by 1. और इस तरह से हम इनको सॉल्व कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिफरेंस. ये भी हमारे सेम ही हैं. मैं थर्ड क्वेश्चन में से भी आपको एक पार्ट करवा देती हूँ. वैल्यू दी है 7 माइनस में 3 इंटू 4 बाय 5. फर्स्टली वी राइट स्टूडेंट एज अ सिंपल फ्रैक्शन. 7 by 1 minus 3 5 जा 15 15 and 4 19 by 5. अब क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हमारा क्या है, 5 है. तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, 5 ही आ जाएगा. यहाँ 7 लिखा हमने, यहाँ 19 लिखा. अब यहाँ 1 की टेबल में 5 कितने पे आता है हमारा, 5 जा पे ही आता है, और 5 की टेबल में 1 पे.
सेवन फाइव या थर्टी फाइव, थर्टी फाइव में से 19 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट हमारी 15 बाय 5, 5 वन जा 5, 3 जा एंड 3 इज आवर एज आंसर. रेस्ट ऑफ द पार्ट यू विल डू. एंड द फोर्थ सम, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 17 इंटू 2 बाय 3 टू गेट 12 इंटू 3 बाय 5. मीन्स टू से वैल्यू क्या दी है कि 17 इंटू 2 बाय 3 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें. हम ए मान लेते हैं कि हम ए को सब्ट्रैक्ट करते हैं कि हमें क्या मिल जाए 12 इंटू 3 बाय 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम. यस, ये नंबर गेट करने के लिए हमें इस नंबर में से क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा. तो स्टूडेंट हम देखते हैं, पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं. 17 थ्री जा 51 एंड टू 53 बाय 3 माइनस ए इज इक्वल टू 12 फाइव जा 60 एंड 3 63 बाय 5. स्टूडेंट फिर हम क्या करेंगे, हम इस ए को उस साइड ले जाते हैं, इक्वल से उधर पॉजिटिव हो जाएगा और 63 बाय 5 को हम इक्वल से इधर ले आते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगा. एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम इसका आ जाएगा 3 फाइव जा 15. अब ऊपर वैल्यू क्या है हमारी 53 और यहाँ हमारी वैल्यू क्या है 63. 3 की टेबल में 5 जा पे, 5 की टेबल में 3 जा पे और इनको मल्टीप्लाई करके 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 एंड 126, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18. एंड क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारा क्या होगा आंसर. 15 में से 9 आउट हुए 6, 5 15 में से 8 आउट हुए 7, 76 बाय 15. एंड मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे 15 5 जा 75 बाय 1 बाय 15 इज योर आंसर स्टूडेंट. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. इन द फिफ्थ सम, व्हाट दे गिव यू, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. हमें नंबर्स वैल्यूज दे रखी हैं और उनको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है. स्टूडेंट एक सम समझाऊंगी, ध्यान से समझना. वैल्यू क्या दी है हमें 2 इंटू 1 बाय 4 प्लस 1 इंटू 1 बाय 2 माइनस 3 बाय 8. पहले हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर दे रखा हुआ अगर मिक्स फ्रैक्शन में तो पहले उसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. 4 2 जा 8 एंड 1 9 बाय 4. एड सिंपल है, 2 1 जा 2 एंड 1 3 बाय 2 माइनस 3 बाय 8. अब जो भी नंबर दे रखे हैं सभी डिनोमिनेटर, ये मैटर नहीं करता है कि बीच में क्या सिंबल है, जो भी फ्रैक्शन दे रखे हैं सबके डिनोमिनेटर लेंगे और हम वहाँ से क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे. 2 2 जा 1 जा 4 जा देन 2 1 जा 1 जा 2 जा 2 1 जा 1 जा 1 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 8 एज एलसीएम वी राइट. नाउ अपर वैल्यू क्या है 9, फिर बीच में क्या सिंबल है प्लस 3, फिर क्या है माइनस 3, हमने ये राइट कर दिया. अब 4 की टेबल में हम देखेंगे 4 के पास क्या है, न्यूमरेटर 9 है तो 4 की टेबल में 8 कितने पे आता है 4 2 जा 2 की टेबल में 2 4 जा एंड 8 की टेबल में 1 जा 9 2 जा 18 3 4 जा 12 एंड 3 1 जा 3. यहाँ पे जो सिंबल हमें दे रखे होंगे वही सिंबल हमें लेके चलने हैं, अगर दोनों माइनस है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो 18 एंड 12 होते 30, 30 में से 3 आउट हुए 27, 27 बाय 8, 8 3 जा 24, 3 इज लेफ्ट एंड देन 8. दिस इज योर आंसर स्टूडेंट. इन द क्वेश्चन नंबर 5th, रेस्ट पार्ट यू विल डू. इन द 6th क्वेश्चन, इन द नंबर सेंटेंस बिलो विच नंबर डज रिप्रेजेंट ट्राइंगल रिप्रेजेंट. ट्राइंगल के पहले इस पे क्या नंबर आएगा, वैल्यू क्या दी है हमें 3 इंटू 1 बाय 4 माइनस सॉरी प्लस ट्राइंगल बाय 4 इज इक्वल टू 4. ये वैल्यू दे रखी है तो हम क्या करेंगे, पहले हम ट्राइंगल बाय 4 को इधर रख लेते हैं, इसको 4 बाय 1 ले लेते हैं और इस वैल्यू को इक्वल से उधर ले जाते हैं, नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगी 3 4 जा 12 एंड 1 13 बाय 4. एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व करेंगे, 4 इज एलसीएम 4 4 जा माइनस 13 1 जा 4 4 जा क्या हो जाएगा 16 माइनस 13 बाय 4 वैल्यू आ गई यहाँ से हमारी 3 बाय 4. यहाँ क्या था हमारा ट्राइंगल बाय 4, इक्वल से इधर अगर कोई वैल्यू डिवाइड में है और उधर जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई में, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो ट्राइंगल की वैल्यू क्या आ गई है स्टूडेंट हमारी 3 आ गई है. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दीज सम. सो
योर वर्क इज क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 6, यू विल डू दीज क्वेश्चन इन योर फेयर नोटबुक ऑफ मैथ विद नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे.